तो हम सबसे पहले इस क्लास में बात करते हैं एक छोटी सी ट्रिक से। जैसे किसी भी एक्सेल फाइल में भी किसी भी एक्सेल फाइल में आप जाते हैं, अब जैन की जैन आपने लिखा यहाँ पे, मैं स्पेलिंग जैन लिखा और जैन को नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं कि आपका जैन फाइल मार्च हो जाता है। ऐसे आप संडे को लेते हैं और नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो संडे मंडे हो जाता है। लेकिन अगर मेरे पीसी में अगर किसी पर्सन का नाम मान लीजिए मैंने पूजा, मेरे टीम मेंबर पूजा का नाम लिखा, नीचे ड्रैग करूंगा तो बाकी टीम्स के नाम आ जाएंगे, बट आपके सिस्टम में सिर्फ पूजा पूजा आएगा। तो मेरे सिस्टम में ऐसा क्यों आ रहा है? ऐसा इसलिए आ रहा है कि मैंने इसके लिए कस्टम लिस्ट ऐड कर रखे हैं। कैसे होता है कस्टम लिस्ट ऐड? तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फाइल मेनू बार के अंदर एक्सेल ऑप्शन। एक्सेल ऑप्शन में हम आते हैं तो यहां पे आपका एडवांस दिखेगा। अगर आपके पास 2007 है तो आपको यही जनरल में ही दिख जाएगा, नीचे में एडिट कस्टम करके। आपके पास 10, 13, 16, 19 है तो एडवांस में आइए और एडवांस में इसको नीचे हम ड्रॉप डाउन करते हैं, यहां दिखेगा एडिट कस्टम लिस्ट। इस एडिट कस्टम लिस्ट में हम आते हैं तो यहाँ पे आप अपनी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्रिएट की हुई है। लिस्ट बड़ी है आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ इस पे एरो के निशान पे क्लिक कीजिए और उस एरिया को सिलेक्ट करके आप इंपोर्ट कर लीजिए। इंपोर्ट करते ही आपका लिस्ट इसमें ऐड होगा। जैसे मैंने ऐड कर रखा है नेम, मैंने ऐड कर रखा है सिटी, कोर्स, नॉर्थ जो होता है एरिया, और ये हम हमें सॉर्टिंग के लिए अपने, क्योंकि इसका यूज हम सॉर्टिंग में यूज करते हैं। जब हम सॉर्ट करते हैं तो आपका जैन फाइव के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है, तो हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो मेरा फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग सॉर्ट होता है। ये आगे हम आपको दिखाएंगे जब आगे क्लासेस होगी तो सॉर्टिंग में समझाएंगे। दूसरी चीज, आप इसमें जो भी लिस्ट ऐड करते हो किसी एक पर्टिकुलर फाइल के लिए नहीं होता है, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन के लिए होता है। मतलब कि एक्सेल की कोई भी पुरानी और नई फाइल को लें तो उसमें ये फीचर्स आपके सामने ऐड होगा, तो ये फीचर आपके लिए बेनिफिशियल होगा। क्या प्रवीण जी आपके लिए बेनिफिट है इससे? हाँ सर। देखिए आपके पास कुछ ऐसे लिस्ट होंगे जो कि आप बार बार टाइप करते होंगे या कहीं से कॉपी करके आप पेस्ट करते होंगे, कहीं से कॉपी पेस्ट करते होंगे या टाइप करते होंगे, तो ऐसे लिस्ट को बना लीजिए कि आपके टीम मेंबर लिस्ट, आपके क्लाइंट लिस्ट, आपके प्रोडक्ट लिस्ट, आपके कंपनी की सिटी लिस्ट, ऐसे लिस्ट को आप इसमें ऐड कर सकते हैं जिसको बार बार यूज करना पड़ेगा। आई होप कि एग्जाम्पल आपके लिए अच्छा लगेगा, आपके लिए यूजफुल होगा।